फ्लटर फ्लिपकार्ट एनिमेशन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से फ्लटर में एनिमेशन इफेक्ट ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप डेमो में देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे एक ग्रिड व्यू क्रिएट किया है। उस ग्रिड व्यू में तीन कार्ड्स है, ठीक है। उसमें से कोई भी एक कार्ड पे क्लिक करेंगे आप तो वो फ्लिप होके वहाँ पे उसकी ज़्यादा डिटेल्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सी मॉक टेस्ट पे क्लिक किया तो फ्लिप होके उसकी टेस्ट की ड्यूरेशन और एक बटन हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया है जिसका नाम है टेक टेस्ट। उस बटन पे क्लिक करके आप टेस्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फीचर फ्लटर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक चीज़, ये जो एनिमेशन इफेक्ट है ना, इसके लिए आपको एक पैकेज लगता है जिसका नेम है फ्लिप कार्ड। इस पैकेज को आपको pubspec.yml में ऐड करना होता है। इस पैकेज की मदद से ही आप इस तरीके के एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर में। ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये फ्लटर सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है और कोडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको इस कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ऐसे वीडियोस मैं क्रिएट कर पाऊँ और आप तक अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से ये फ्लटर एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करें। ओके गाइस, तो मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ्लटर में हम फ्लिपकार्ट यूआई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन इफेक्ट दिया है तो वर्टिकली कार्ड को फ्लिप कर रहा है, राइट। तो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। ये जो आप टैब्स देख रहे हैं नीचे, ये सारी चीज़ें हमने पिछले एपिसोड्स में कवर की हुई है जिसमें हमने देखा था कि बॉटम नेविगेशन बार कैसे ऐड करते हैं। और ये ग्रिड व्यू वाले स्टार्टिंग से अगर आप एपिसोड कवर कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। आज हम इस पर फोकस करेंगे कि ये फ्लिपकार्ट यूआई कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लेब में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे मॉक टेस्ट टैब डॉट डार्ट, ठीक है। इसके अंदर हम जितने भी फीचर्स है इसके अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटलेस विजेट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ मॉक टेस्ट टैब, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक जो विजेट रहता है वो हमने क्रिएट कर दिए। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पे तीन कार्ड दिखाने हैं जिसमें हम बोलेंगे सी सी प्लस प्लस और फ्लटर का मॉक टेस्ट डिस्प्ले करो, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसको मैं बोलूँगा लिस्ट ऑफ मॉक टेस्ट्स, ठीक है। उसको मैं बोलूँगा फाइनल लिस्ट मॉक टेस्ट नाम का एक क्लास हम क्रिएट करेंगे और उसमें हम बोलेंगे कि ये सारे मॉक टेस्ट ऐड करो, ठीक है। अब ये जो मॉक टेस्ट नाम का मॉक टेस्ट के अंदर हम पास करेंगे टाइटल, मैं बोलूँगा सी मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें हम एक ड्यूरेशन पास करेंगे क्योंकि जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि कितने मिनट की वो टेस्ट होने वाली है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 45 मिनट्स, ठीक है। इसी को ही हम कॉपी करेंगे और दो और क्रिएट कर देंगे, इसको मैं बोलूँगा C++ mock test और इसको मैं बोलूँगा flutter mock test, ठीक है। अब mock test क्या है वो हम देखते हैं। mock test के लिए आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा mock test डॉट डार्ट नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसको मैं बोलूँगा mock test, ठीक है। इसमें एक हम टाइटल पास कर रहे हैं और एक हम ड्यूरेशन पास कर रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ पे आपने देखा कि हमने दो चीज़ें पास की थी, टाइटल और ड्यूरेशन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ ताकि इनिशियलाइजेशन हो जाए प्रॉपर। तो रिक्वायर्ड जो भी टाइटल होगा वो और रिक्वायर्ड जो भी ड्यूरेशन होगा वो, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट टैब में यहाँ पे हमें वो क्लास इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इस पर डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट लाइब्रेरी मॉक टेस्ट डॉट डार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा है इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा के मॉक टेस्ट टैब आप लिख सकते हैं। इसमें हम की पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा सुपर
जी ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो कार्ड्स के कलर है ना वो सिर्फ वाइट रखे हैं। अगर आपको कलर्स भी मेंटेन करने हैं कि हर कार्ड का कलर अलग अलग हो, तो उसके लिए भी हम फीचर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ कलर्स फॉर ईच कार्ड, ठीक है, ताकि आप कलर्स को भी मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ एक कलर की, उसको मैं बोलूँगा कार्ड कलर्स, ठीक है। उसमें हम लिस्ट में ऐड करेंगे एलिमेंट्स, उसको मैं बोलूँगा कलर्स डॉट वाइट। यहाँ पे अभी मैं वाइट ऐड कर रहा हूँ तीन कार्ड्स का कलर। आप यहाँ पे जो भी आपको कलर ऐड करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फीचर भी हम इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ग्रिड व्यू। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे एक ग्रिड व्यू बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक चाइल्ड ऐड करेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉलम। चिल्ड्रन, ठीक है, साइज्ड बॉक्स, ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग हम ऐड कर देंगे। और दूसरा हम एक ग्रिड व्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रिड व्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट कर देते हैं हम लोग। जैसे क्रॉस एक्सिस काउंट, मुझे तीन एलिमेंट्स एक रो में चाहिए तो मैं थ्री बोलूँगा। उसके बाद में हम बोलेंगे क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, उसको हम 10 दे देंगे, और मेन एक्सिस स्पेसिंग को हम 10 दे देंगे, ठीक है। श्रिंक व्रैप ट्रू कर देंगे, और इसका जो फिज़िक्स है उसको हम स्क्रोल फिज़िक्स कर देंगे। ये बेसिकली हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड का जो स्क्रोलिंग बिहेवियर रहता है, ठीक है, जैसे ये स्क्रीन फुल हो जाएगी तो यहाँ पे एक स्क्रोल फीचर हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो वो स्क्रोलिंग एंड्रॉयड में और iOS में अलग अलग हैंडल की जाती है। एंड्रॉयड में उसको क्लैम्पिंग स्क्रोल फिज़िक्स बोलते हैं, और जो iOS में रहता है वो बाउंसिंग स्क्रोल फिज़िक्स रहता है। तो ये हमें, अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्क्रोलिंग बिहेवियर उस डिवाइस का रहेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एनेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट उस फ़ोन का स्क्रोल रहेगा, जैसे ही स्क्रोल होता है तो वो डिफ़ॉल्ट वाला वहाँ पे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब चिल्ड्रन हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में से हम इसको पहले मैप में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसकी वैल्यूज हम निकाल सकें। एंट्रीज डॉट मैप, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा एंट्री। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं की और वैल्यू। की कैसे निकालेंगे हम लोग, हम बोलेंगे एंट्री डॉट की, ठीक है। उसको मैं एक इंडेक्स में स्टोर कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक मॉक टेस्ट। अब वैल्यू निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंट्री डॉट वैल्यू, और इसको हम स्टोर कर देंगे। जो हमारा मॉक टेस्ट क्लास है उसका एक रेफरेंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब इसी को रिटर्न करेंगे हम लोग, और इसको हम एक मेथड बनाएंगे बिल्ड मॉक टेस्ट कार्ड नाम से, और उसके अंदर हम तीन चीज़ें पास करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, ताकि जब ये वाला जो बटन, ताकि यहाँ पे जब ये टेक टेस्ट बटन क्लिक हो तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रहे कि इसको क्लिक करने के बाद कौन से स्क्रीन पे जाना है। तो उसके लिए हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक टेस्ट जिसमें टाइटल और ड्यूरेशन हमें होना, ये वाला हमने इसमें क्रिएट किए थे, राइट, टेस्ट और ड्यूरेशन। और एक चीज़ हमें लगेगी कि हर कार्ड का अगर कलर हमें चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग ब्रैकेट्स को, इसको सबसे पहले टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और ब्रैकेट्स को यहाँ पे मैनेज कर देते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ, इसके जगह पे आपको ये ब्रैकेट ऐड करना है। अब सबसे पहले ये मेथड डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक विजेट क्रिएट कर देता हूँ, और उसके अंदर हम तीन चीज़ें पास करेंगे, जिसको मैं बोलूँगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम उसका कॉन्टेक्स्ट लेंगे, एक हम इसका रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे,
इसको मैं बोल देता हूँ मॉक टेस्ट, ठीक है। और एक कलर हम ले लेंगे ताकि कार्ड का कलर हम सेट करवाएं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ठीक है, अब इसमें रिटर्न कर देते हैं जेस्चर डिटेक्टर, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे चाइल्ड फ्लिपकार्ट, ये वाला विजेट अगर यूज़ करना है तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा popspec.yml फाइल में, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट का पैकेज ऐड किया है, ये आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करके यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे, पब गेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पैकेज यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और यहाँ पर हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में हमें दो चीज़ें दिखानी है यहाँ पे। सबसे पहले फ्रंट में हमें क्या दिखाना है और बैक में क्या दिखाना है, मतलब फ्रंट पार्ट में इसको क्या दिखाना है, तो हमें यहाँ पे टाइटल दिखाना है और क्लिक करने पे हमें बैक साइड में ये दिखाना है, राइट। तो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से वो फ्लिप करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी दो वैल्यूज़ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हम वर्टिकल वाला यूज़ करके देखते हैं, वर्टिकल, ठीक है। इसके फ्रंट में हम बोलेंगे कंटेनर क्रिएट करो और यहाँ पर उसके चाइल्ड में, उसके चाइल्ड में यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करेंगे बिल्ड फ्रंट कार्ड, ठीक है। और उसमें हम पास करेंगे मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा कि फ्रंट में हमें ये कंटेनर वो क्रिएट करके देगा जिसमें हम फ्रंट कार्ड प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब इसमें ही अगर मुझे बैक ऐड करना है तो मैं उसको बोलूँगा एक और कंटेनर क्रिएट करो और उसके अंदर एक मैं मेथड कॉल करूँगा बिल्ड बैक कार्ड, ठीक है। उसमें मैं उसको पास करूँगा मॉक टेस्ट, इजी। तो दो चीज़ें हमने की, एक सबसे पहले जेस्चर डिटेक्टर किया, ठीक है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, इसको भी मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि बेसिक चीज़ें यहाँ पे एनेबल रहे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो आपको क्लियरली शायद यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, फ्लिपकार्ट हमने क्रिएट किया और popspec.yml में हमने यहाँ पे एक पैकेज ऐड किया फ्लिपकार्ट का, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने उसको डायरेक्शन दे दी कि इस डायरेक्शन में मूव होना और फ्रंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये हो गया फ्रंट कार्ड और ये हो गया हमारा बैक कार्ड। अब हमें ये वाले मेथड्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि फ्रंट कार्ड में हमें क्या दिखाना है, राइट। तो हम बोलेंगे कि फ्रंट कार्ड में हम यहाँ पे एक विजेट डिफाइन कर देंगे बिल्ड फ्रंट कार्ड और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक कंटेनर, ठीक है। उस कंटेनर में मैं बोलूँगा चाइल्ड, हमें कॉलम बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके अंदर हम उसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेट कर देंगे एस सेंटर, ताकि सेंटर में वो आ जाए प्रॉपर टेक्स्ट। और चिल्ड्रन में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारा टेक्स्ट, उसको सेंटर विजिट हम दे देंगे। उसके चाइल्ड में हम ऐड करेंगे टेक्स्ट और उसको मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट, जो भी ऊपर से हमने पास किए है उसमें से हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। तो टाइटल मैंने निकाल लिया और इसको हम स्टाइल दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम उसकी फॉन्ट साइज सेट कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज हम सेट कर देंगे 16.0 इस तरीके से, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे। वैसे ही हम एक बैक मेथड भी क्रिएट करेंगे जिसको मैं बोलूँगा बैक कार्ड और इसके अंदर भी हम डिफाइन करेंगे कंटेनर और चिल्ड्रन के अंदर हमें यहाँ पे टाइटल में दिखाना है ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ ड्यूरेशन और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉलर
लाइक दिस मॉक टेस्ट डॉट ड्यूरेशन, इसको आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये टेक्स्ट भी दिखाना मिल जाए और यहाँ पे ड्यूरेशन इस क्लास में से वो निकाल भी ले, ठीक है। तो ये दो मेथड हमारी हो गई क्लियर। अब ऊपर से भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो एरर्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रन करके देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए कि हमने अभी तक क्या डेवलप किए हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बना तो है और फ्लिप भी हो रहा है, राइट, पर यहाँ पे बटन अब हमें ऐड करना पड़ेगा एक, तो उसके लिए मैं एक एलिवेटेड बटन ऐड कर देता हूँ। कॉलम हमने क्रिएट किया सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइज्ड बॉक्स ऐड कर देते हैं सबसे पहले, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाए दोनों के बीच में, एक ही हो गया। और यहाँ पे हम एक एलिवेटेड बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके ऑन प्रेस इवेंट पे अभी के लिए मैं वहाँ पे एम्प्टी डाल देता हूँ, और चाइल्ड में हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट, और उसको मैं बोलूँगा टेक टेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स आ रहा है ना, इसमें कोई शेडो नहीं है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है कि ये बॉक्स है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे विजेट क्रिएट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट कर देते हैं, जहाँ से हम कोई भी बॉक्स को अगर हमें देना है शेडो तो हम वहाँ से दे सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा बॉक्स डेकोरेशन, और जो भी आपको शेडो देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, आप यहाँ पर वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा और इसको मैं बोलूँगा बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो कलर सेट करेंगे हम लोग कि कलर्स डॉट वाइट, उसके बाद बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसके अंदर हम रेडियस दे देते हैं इसको 10, ठीक है। उसके बाद मैं सेट करूँगा, इसके बाद हम सेट करेंगे बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो के लिए आपको क्या करना है, यू कैन यूज़ बॉक्स शेडो, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे अब हम लोग, कलर मैं दे दूँगा कलर्स डॉट ग्रे, और उसकी ओपेसिटी मैं दे देता हूँ यहाँ पे 0.5, ठीक है। रेडियस आप दे सकते हैं 2, और ब्लर रेडियस ऑफसेट हम सेट कर देंगे, ऑफसेट 0.3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमको देना है, तो मैं बोलूँगा डेकोरेशन में ये वाली मेथड कॉल कर दो, सिंपल, बस फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेकोरेशन ऐड कर देगा जो भी आपको बॉक्स शेडो देना है, इस तरीके से वो शेडो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देगा, राइट। अब ये जो एनिमेशन हो रहा है, ये हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करते हैं तो आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लटर में फ्लिपकार्ट UI कैसे क्रिएट करें। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड व्यू में ना थोड़ी स्पेसिंग, यहाँ पे बॉक्स अटैच हो चुके हैं, राइट, तो इसमें भी थोड़ी स्पेसिंग अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको ये ऐड करना है तो आपको ग्रिड व्यू को पैडिंग विजेट में ऐड कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम उसको दे देंगे एज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक, और हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल 16, ठीक है। दो साइड से एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में उसको ऐड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपर हो चुकी है। अब ये वेब में भी रन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डिवाइस में अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यही तो फ्लटर का एडवांटेज है। अब ये जो स्पेसिंग अगर आप देखेंगे,
ड्यूरेशन 45 मिनट ये प्रॉपरली स्पेस नहीं है इसमें, तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें आप पैडिंग ऐड कर सकते हैं, पैडिंग हम बोलेंगे सेम एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजेंटल 16.0, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे चाइल्ड, तो वो प्रॉपरली वहाँ पे स्पेसिंग ऐड कर देगा, राइट। अब इसको आपको कितना स्पेसिंग देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे फीचर टेक टेस्ट। जब इस पर क्लिक होगा तो क्विज़ वाला जो फीचर होता है वो वाला इम्प्लीमेंट करेंगे हम फीचर नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ चीज़ें पेंडिंग है, जैसे प्रीमियम कोर्सेज़ का हमने डिस्कस किए थे कि प्रीमियम कोर्सेज़ को अगर परचेज़ करके उसको कहाँ पे हम शो करेंगे, लाइक यूज़र ने ये तो फ्री वीडियोस वो देख रहा है लेकिन कोर्स को ख़रीद के उसको ये जो फीचर्स लगेंगे, राइट, प्रोफाइल टाइप, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जो भी फीचर्स हम इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाएं, आपको बहुत नॉलेज इसमें कवर हो जाएगा, राइट। अब बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर codesify.com विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल करे हैं जितने भी है, इसमें आप पर्सनलाइज तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें आपको रजिस्टर करना होता है, एक बार आप रजिस्टर कर देंगे उसको तो उसके बाद में आप सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लटर, सी प्रोग्रामिंग, HTML, इन सब के आप यहाँ पे अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। और अपना स्कोर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 30 का ये टेस्ट रहता है, 30 क्वेश्चंस का। और जो भी कोडिंग कोर्सेज है वो सारे मैंने यहाँ पे अवेलेबल करे हैं, जो भी रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनके लिए ही ये अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे इन डेप्थ वीडियोस और इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स जो हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कर सकते, नेटफ्लिक्स का क्लोन ऐप, स्पॉटिफाई का क्लोन ऐप, ठीक है। ऐसे क्लोन्स हम क्रिएट करते हैं डेडिकेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये फ्लटर फ्लिपकार्ट एनिमेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्प किया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और वीडियोज़ मैं क्रिएट कर पाऊँ और आप तक ये नॉलेज शेयर कर पाऊँ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।